करना दुलारे, आज ज्यादा एहतमाम ना करना। मटन कोरमा, पुलाव और कीमा करेले बना देना बस। दुलारे मीठा बनाना मत भूलना। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है आपके मुंह से मीठा। तभी इस गरीब आदमी पर रहम भी आया आप लोगों को। जिसकी बीवी इतनी अमीर हो वो आदमी गरीब कैसे हो सकता है? कितना ना शुक्रा है तो दुलारे। वैसे हमें लगता है कि हमारी मौत भी बावर्ची खाने में ही आएगी। तो पर ठीक है ना, तुम्हारा मकबरा भी वही बना देंगे। सिमी मेरी बात गौर से सुनो। तुम क्यों अपना गला फाड़ रहे हो इस तरह से? तुम लोग हमेशा मुझे मुफ्त कोरियर काम चोरी का ताना देते हो ना। हाँ, तो आज मैंने सोच लिया। शाबाश बेटा शाबाश, आखिरकार तूने खुदकुशी का फैसला कर ही लिया है। मुबारक हो मुबारक हो। अरे खुदकुशी करे मेरे दुश्मन, अब मैं लोगों की शादियां करवाऊंगा। लो अब काजी भी बन जाएंगे ये। इतनी मगरूर शक्ल वाले काजी को बुलाएगा कौन? अरे पुप्पो मैं मैरिज ब्यूरो खोलूंगा, मैरिज ब्यूरो खोल रहा हूँ मैं। हमें आपका ये आइडिया बहुत पसंद आया। वो लोग जो अपनी बीवी के जुल्म का शिकार होते हैं, आप उनकी दूसरी शादी भी करवाएंगे ना? अरे क्यों नहीं दुलारे बाबू, क्यों नहीं। अरे तुम्हें बड़ा शौक हो रहा है दूसरी शादी का, जाओ जाके किचन में खाना बनाओ। एक मिनट दुलारे बाबू, एक मिनट, आप मेरे साथ आइए। बाद में इश्तहार भी तो देना मैरिज ब्यूरो के लिए, वो कौन लिखेगा? अरे छोड़ो खाने को, पिज्जा मंगवा लो। पिज्जा होता है पिज्जा। हाँ बस वही ठीक है, पिज्जा कहने का कोई जायका तो नहीं बदल जाता। हाँ तो लिखिए जी, बताइए। लड़की छोटी हो या मोटी, काली हो या गोरी, लंबी चौड़ी, अंधी बहरी, लूली लंगड़ी, हर तरह की लड़कियां दस्तियाब। किस किस्म का बेहुदा आप इश्तहार से लिखवा रहे हैं? तो उसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा तो आप लिखिए, शादी दूसरी हो या तीसरी, रिश्ता हम ही जोड़ेंगे, तलाक याफ्ता अफराद भी राब्ता कर सकते हैं। भाई अच्छा भला, चलते चलते आप पटरी से उतर जाते हैं। आप बुरा इश्तहार लिखवा रहे हैं, हम खुद ही लिख लेंगे। अच्छा दुलारे बाबू तुम लिख लो, लेकिन बात सुनो, बात ऐसी लिखना कि शहर के सारे लड़के लड़कियां हमारे मैरिज ब्यूरो यार। अच्छा जना एक बात बताएं, अगर हम आपसे कहें कि आप हमारे लिए एक लखनऊ की लड़की ढूंढे, जो नाजुक मिजाज हो, दुबली पतली, खूबसूरत सी, खुशगुफ्तार हो, खुश मिजाज हो, हाथ में नमक हो, ढूंढ सकते हैं ऐसी लड़की? नहीं। ओ भाई मुझे शादी किसी अमीर बंदे की करवानी है, जो शादी जैसी फजूल चीज पे लाखों रुपया खर्च कर सकता हो। तेरे बल्ले क्या है? ओ भाई क्या है तेरे पास? हमारे पास ये 100 रुपए हैं, सिमी जी ने कल दिए थे हमें खर्चे के लिए। इधर लो, इधर दो। मैं जरा अंडे वाला बर्गर खाऊं तब कुछ तुम डाल। लेकिन सुने हमारे पैसे भूल भूल के हमने फिर उनके हाथ में पैसे दिए। दुलारे बाबू हमारे यहाँ भाई आने वाले हैं। अच्छा आपके कोई भाई भी हैं? हमारे नहीं सबके भाई, गोगी भाई, गोगी भाई, गोगी भाई। हाँ, और मैं उनकी शादी करवा रहा हूँ और उनका रिश्ता करवाने के पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख? जी, और आपका भाई दुलारे बाबू अब अमीर होने वाला है। अरे वाह, आप तो अमीर होने वाले हैं सचमुच। देखें आप हम सबको भूलेंगे तो नहीं ना, अपना पैसा हम सब में बराबर तकसीम करेंगे ना, मेरा हिस्सा कितना होगा? अबे भोली सूरत दिल के खोटे, मैं अपना पैसा तुम गरीबों में क्यों तकसीम करूंगा? क्या? हाँ, तुम पे तरस वरस खा के 2-3 हजार रुपए तुम्हें दे दूंगा। कितने बड़े दिल के हैं आप। लेकिन फुफ्फो और सिमी को एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, बहुत तरसाया ना उन लोगों ने मुझे पैसे के लिए। अरे इतने पत्थर दिल ना बने नवाब, देखिए आपने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है तभी तो आपको ये सादत नसीब हुई है। कौन सादत? तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? हाँ दूर के खालू हुआ करते थे हमारे एक दफा। अच्छा दुलारे बाबू आज खाना गजब का होना चाहिए। खाने के मामले में आप बेफिक्र रहिए, खाना तो आपको पता है हमारे हाथ का जायका कैसा है, तमाम मेहमान जो है ना वो उंगलियां चाटते हुए वापस जाएंगे। थैंक यू दुलारे बाबू। पैसे आने दे, दिन बदलने दे।
तेरे लिबास तेरा ऑर्डिनरी ना हो, तुझे सर से पाओ तक। नहीं तो अच्छे हैं लेकिन थोड़े छिछोरे हैं, काश अपनी आदत पे ये कंट्रोल कर लें तो ये अच्छे भले इंसान साबित हो सकते हैं। हेलो, मैं पुप्पो बोल रही हूँ जी, आप कौन? मैं छोटा बोल रहा हूँ। अब बिना देखे मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे छोटा है या बड़ा? हमें एक रिश्ता चाहिए अपने भाई के लिए। जब तू इतना छोटा है तो तेरा भाई कितना छोटा होगा है? तो मुझे बात करने दो। हेलो, हमें गोगी भाई के लिए रिश्ता चाहिए है? भाई पहले आप ये सोच लो कि गोगी बहन है या भाई। देखें, हमें 2 दिन के अंदर शादी करवानी है, समझे? और इस काम के लिए गोगी भाई आपको 10 लाख रुपए देंगे। 10 लाख? तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हो भाई, आप फौरन आ जाइए, एक से बढ़कर एक रिश्ता दिखाऊंगा आपको। गोगी भाई, काम बन गया। रिश्ता करवाने का 10 लाख रुपए दे रहे हैं। 10 लाख? हाँ मुखो, और अब तुम देखना कैसे पैसों में खेलता हूँ मैं। अरे नवाब, अपने पैसों में से मुझे भी कुछ दे देना ताकि मैं भी खेल लूँ। हैं लल्ला कर पुप्पो, तेरी उम्र है खेलने की। यही तो उम्र। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। क्या उड़ के आ जाऊं? ये दिन दहाड़े तुम इतना जेवर पहनकर घूम रहे हो, अगर कोई छीन कर ले गया तो? हमसे कौन छीनेगा हमारी जेवर? नकली है क्या? छोटे बढ़िया, ये गोगी भाई हैं, गोगी भाई रिश्ते के लिए आए दुबई से। क्यों, दुबई में इन्हें कोई रिश्ता नहीं मिला क्या? छोटे बढ़िया, लगता है इसने गोगी भाई को नहीं पहचाना। मैं किसी गोगी भाई को तो नहीं जानती, अलबत्ता गोगी बाजी को जानती हूँ। छोटे, ये बुढ़िया क्या बकवास कर रही है? गोगी बाजी, कहीं तुम तो मुझे लगा कर नहीं आ गई हैं? नहीं नहीं, मजाक कर रही थी, दिल पे मत लेना अंकल जी। अंकल? छोटे, ये मुझे अंकल कह रही है। क्यों, तुम मुन्ना कहो तुझे मैं? छोटे बुढ़िया, बुढ़िया ये गोगी भाई है, गोगी भाई अंडरवर्ल्ड के डॉन है, डॉन। सारा कराची इनके नाम से थर-थर कांपता है, थर-थर। डॉन, मुझे शाहरुख वाले फिल्म के डॉन वो। हम वही हैं, हम यहाँ अपने रिश्ते के लिए आए हैं। लो जी, अब हम गुंडे बदमाशों का रिश्ता करवाएंगे हैं? बुढ़िया, चलो अंदर चलो, देखते हैं, चलते हैं। ओके, चलिए। शिकार। वापी? देखो, देखो भैया, हमारे यहाँ गोगी बाजी आए हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है गोगी भाई आए हैं। अरे ये तो मशहूर डॉन गोगी भाई है, गोगी भाई। ये हमारे घर क्यों आए हैं? मेरे ख्याल से मिजी, ये डॉन है ना, आपको किडनैप करने के लिए आए हैं। ले जाइए, ले जाइए इनको, ले जाइए। खामोश, जिसको देखो टैं 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 करना, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं यहाँ रिश्ते के लिए आया हूँ। लेकिन हमारा तो आपसे कोई रिश्ता नहीं, और हम बनाना भी नहीं चाहते, यकीन जानिए। ओ, ओ, मैं अपनी शादी के सिलसिले में आया। अरे यार चुप कीजिए आप। क्या आप लोगों ने अखबार में इश्तेहार नहीं दिया? डॉन, नवाब, मैशर, और ये मशहूर मैरिज ब्यूरो मेरा है, और ये सब मेरे मामूली मुलाजिम है। अगवा करो अपनी। भाई मुझे बताइए, आपको कैसा रिश्ता चाहिए? नेक, खानदान की लड़की हो, चोरी चकारी और मर्डर केस में दूर दूर तक उसका इन्वॉल्वमेंट ना हो। लो भला बताओ, कोई ऐसी शरीफ लड़की तुमसे क्यों शादी करेगी? और सुनो,
लड़की नमाज रोजे की पाबंद हो। क्यों, आपको दर्ज की महफिलें लगवानी है क्या? छोटी, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे जैसे गुंडे बदमाशों का रिश्ता नहीं करवाना। छोटी, ये गोगी भाई इनके सीने में सारी गोलियां फेमस कर दे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्या कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रिश्ता है। बहुत एक बड़ा अच्छा बताओ ना। बहुत अच्छा रिश्ता गोगी भाई, बहुत अच्छा रिश्ता बताओ ना। कमाल का रिश्ता है, कमाल के रिश्ते से मेरा क्या ताल्लुक भाई, उसकी भी तो करानी है ना। मेरी अपनी शादी की मैं बात कर रहा हूँ। इनके लिए रिश्ता है तो इनके लिए रिश्ता है ना। बताओ ना, तुम क्यों नहीं बता रहे? मामूली मुलाजिम तो ठीक है, फिर मेरी मीटिंग कराओ उससे। जी जी बिल्कुल, आप अंदर जाके आराम कीजिए, मैं आपके रिश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। अरे कहाँ रिश्ता, कौन शरीफ लड़की गोगी भाई से रिश्ता करेगी? मरवा दिया ना तुमने, मैं गोगी भाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे मैंने कहाँ मरवाया, हमने तो फकत कोशिश की थी आप सबकी जान बचाने की। भाई मैं तो साफ साफ बता दूंगी गोगी भाई को कि मेरा इस मैरिज ब्यूरो पर तुम सबसे कोई ताल्लुक नहीं। बहुत एहसान फरामोश हो तुम, ठीक कहती थी अम्मा मरहुमा कि तुम गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। अरे तुम लोग रहना तो बंद करो, 10 लाख तो हाथ से गए, अब जान से भी हाथ धोना पड़ेंगे। मेरे हाथ तो पहले ही साबुन से धुले हुए, ये देख लो। अरे पुप्पो इतना मैली एक मर्दा धोने से नहीं उतरेगा, जब जाके दोबारा धो लो। अरे चुप करो तुम लोग, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा है। आइडिया ये है कि आइडिया ये है कि तुम नाम दुलारे बाबू को गोगी भाई के सामने बुर्का पहना कर ले जाओ। जबरदस्त कमाल का आइडिया, कमाल का, चुप हो जाओ तुम, कमाल का आइडिया। हर दफा हम ही बलि का बकरा क्यों बनते, नहीं हम बुर्का नहीं पहनेंगे। चुप करो दुलारे बाबू, बुर्का तो तुम्हें पहनना पड़ेगा। देखिए हम बुर्के के तकद्दुर को पामाल नहीं होने दे सकते। बड़ा माल मिलेगा, पूरे 10 लाख मिलेंगे। अरे 10 लाख इम्पोर्टेंट है या हमारी इज्जत इम्पोर्टेंट है, ये भी तो समझे। हाँ देखिए पहनोगे ना बुर्का? दो तो पहन लूंगा। क्या कर रही हैं आप, आपको हमारी लखनवी आन बान शान का कुछ तो ख्याल करना चाहिए। अरे भाड़ में गई तुम्हारी आन बान शान, देखो 10 लाख रुपए जब हाथ में आएंगे ना तो मजा आएगा, तुम इस वक्त पैसों की सोचो। अरे नवाब आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। अरे जब बुरके में मेरा शौहर होगा ना तो सारे पैसे भी मेरे होंगे। ए तुम छोड़ो ना इन बातों को, ये देखो मैं तुम्हारे लिए अपनी अम्मा मरहुमा का बुरका लेकर आई हूँ। अरे आखिरी निशानी के तौर पर मैंने संभाल के रख लिया था, लो। इसमें से तो बहुत गंदी बू आ रही है। हाँ तो और क्या आएगी ना बदबू, क्योंकि कभी भी मेरी अम्मा ने इस बुरके को धोया नहीं, उनके पसीने की बू ना इसमें रच बस गई है। देखिए हम ये नहीं पहन सकते, आप खुद सोचिए दुनिया क्या कहेगी। अरे बड़ा पसंद करेगी तुम्हें दुनिया, शाबाश मेरी बात मानो पहन लो। अरे खुदा के वास्ते कुछ तो रहन दिली का मुजाहरा कीजिए। क्या करूँ मुजाहरा? अरे जब समझ आएगा ना तब कर लेंगे, तुम छोड़ो इन बातों को, ये लो पहन लो। अरे आप समझ नहीं रही, हम ये नहीं पहन सकते, हम पहनेंगे इसमें हमारा दम घुटता है। अरे तो मैं बहुत सारा परफ्यूम छिड़क दूंगी इसके अंदर। नहीं हम फिर भी नहीं पहन सकते। अरे तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुक जाओ मैं अभी तुम्हारा इंतजाम करती हूँ। अरे अरे चुप कर जाइए, क्या हो गया, जब से इस घर में आए हमारे कान के पर्दे हर वक्त हिलते रहते हैं। ठीक है लाइए दीजिए, हम पहनते हैं इसको। बल्कि मैं पहनाती हूँ। नहीं नहीं हमें शर्म आती, बहुत पहनते हैं, बहुत पहनते हैं, शर्म आती है। जल्दी आना। अरे गोगे भाई यह है गुलबहार बेगम, लखनऊ से आई हैं। आई हूँ गोगी भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई अरे अरे शर्मीली है ना बहुत, वो नेक परवीन, बिल्कुल नेक परवीन। लेकिन आपने तो ये कहा था कि इनका नाम गुलबहार है। अरे गोगी भाई कुछ भी हो आप दोनों की जोड़ी लाजवाब है, पोपट है पोपट। वाह क्या ये हर वक्त बुरखे नहीं रहती? हाँ भाई जाहिर है इनका ताल्लुक बड़े ही बापरदा और शरीफ घराने से। बिल्कुल सही कहा पुप्पो, गोगी भाई इनके तो अब्बा का नाम भी शराफत अली है। वाह मैं बहुत खुश हुआ, मैं आज ही इनसे निकाह करूंगा। क्या ये किसने बोला? क्या 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 मैं बोला गोगी भाई, मैं बोला कि क्या बात है, मुबारक हो गोगी भाई, मुबारक हो। छोटे जी गोगी भाई,
आज ही दुबई से मेरी होने वाली बेगम के लिए हीरो का हार मंगाया जाए। हीरो का हार? हीरे? देखिए योगी भाई, मेरे लिए भी हीरे की अंगूठी मंगवा दे। हीरा बिशप छोटा सा योग ना होना सही ऊपर बात की। तुम लोग फिक्र न करो, मैं इस रिश्ते के लिए 10 लाख के बजाय तुम लोगों को 20 लाख रुपए दूंगा। बीस लाख तो बस तय हुआ, निकाह आज ही होगा गोगी भाई। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी से पहले मैं गुलबहार से अलीगढ़ में मिलना चाहता हूँ। जरूर जरूर जरूर। आप बात कीजिए, बात कीजिए छोटे। हाँ तो गुलबहार, मैं आपसे देखकर बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी अदुकानी बीवी मेरी हो। पूरे दुबई में टहलका मचाएगा, सब कहेंगे गोगी भाई वाह वाह। मेरी बात को सुनो, जानू गोगी भाई को तो पुलिस ने भी इतना नहीं भगाया जितना तुम मुझे भगा रही हो। हालांकि आपको इस उम्र में इतना भागना नहीं चाहिए, है ना? देखिए हम ये शादी नहीं कर सकते आपसे। ये क्या कह रही हो गुलबहार मानू? तुमने अगर मुझसे शादी कर ली, पूरा दुबई मैं तुम्हारे पांव पे रख दूंगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। गुलबहार बानू, आई लव यू, आई लव यू। लाहौल वाला कुआं, ये किसकी आवाज आई? मेरा ख्याल है पड़ोस में किसी ने आपको बेहुदा हरकतें करते हुए देख लिया। अच्छा अच्छा, जानू तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आई लव यू। ये क्या तुम्हारे हाथ मर्दाना जैसे हैं? नहीं गोगी, तुम्हें वहम है। खुदा की कसम, हम ये निकाह नहीं होने देंगे। दुलारे बाबू, मैं कौन सा तुम्हारी रुख्सती करवा रहा हूँ, खाली निकाह ही तो करना है तुमने। और बात सुनो, इस बात के हमें पूरे 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो क्या मतलब है आपका, 20 लाख के लिए आप हमें सूली पे चढ़ा देंगे? अरे पहली रात वो हमें देख के गोली मार देंगे, गोली से उड़ा देंगे। तोड़ जाना, चलो चलो, काजी इंतजार कर रहा है। अरे हमने कहीं नहीं जाना भाई। कौन नहीं जा रहा है, हम आपको लेके जा रहे हैं भाई। हम नहीं जा रहे। अरे भाई, अरे बारिश हो गई है जब से बुरका पहना है। हम लेके जा रहे हैं भाई आपको। गुलबहार बेगम, आप इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? हौसला करिए, काजी साहब आ रहे हैं। और गोगी भाई तो आपके मुस्तकबिल के मजाजी खुदा है। वही तो, बस आप 20 लाख रुपए तैयार रखे, हमारी गुलबहार भी तैयार है। क्यों गुलबहार? ओए ठीक है ठीक है, गुलबहार बानू मेरी जान, मेरी जान। खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया तो अजीब सा लगता है भाई। गोगी भाई के साथ इतना बड़ा धोखा आज तक किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा धोखा। छोटे जी भाई, ढूंढे सबको ठान 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 करते। अबे क्या तो मजा का कोई है? आप लोगों को टिक्के की दुकान है, जब से ज्यादा भून दो। खबर करता है आदमी कहाँ कहाँ लेने देता है। एक मिनट छोटे सुल्ताना, मुझे यकीन है कि तूने ही मुझ पर काला जादू कराया है, इसीलिए मैंने बाबा को बुलाया। ये काले बाबा हैं? हाँ, काफी रंग काला। अरे इनको कहो ना कि गोरा करने वाली क्रीम लगा लिया करे। मेरी आंखों में देखो। बाबा जी, तू
मुझे शर्म आ रही है। मेरी पूरी चार शादियां होंगी। चार शादियां? सारा जादू का असर खत्म करवा दूंगा तुझ पर, लेकिन उसके लिए मुझे अपना सारा जेवर देना होगा। है? कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। ओ कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। हम तो आए थे सरताज बनने, उसने कदमों में हमको सुला।